हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू डिफरेंट ज्ञान चैनल। तो व्यूअर्स, सेंट्रल बैंक का जो सीआईएफ नंबर है, सीआईएफ नंबर आप बिना बैंक विजिट करते हुए आप सेंट्रल बैंक का जो सीआईएफ नंबर किस तरह आप प्राप्त कर सकते हो, इसका लाइव प्रोसेस मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। यानी ऑनलाइन आप किस तरह सीआईएफ नंबर प्राप्त कर सकते हो सेंट्रल बैंक का, इसका प्रोसेस मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। न्यू प्रोसेस मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। एंड पुराना जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस टोटली चेंज हो चुका है। आप ऑनलाइन आप गेट सीआईएफ बटन पे क्लिक करने के बाद आपका सीआईएफ नंबर, अकाउंट नंबर देने के बाद सीआईएफ नंबर प्राप्त किया जाता है, लेकिन यह प्रोसेस टोटली चेंज हो चुका है। अभी न्यू प्रोसेस आ चुका है, यह प्रोसेस बंद हो चुका है। तो न्यू प्रोसेस मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा न्यू प्रोसेस किस तरह आप अपना सीआईएफ नंबर कलेक्ट कर सकते हो। इसके लिए आप अपने मोबाइल पर व्हाट्सअप रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन पे जो मोबाइल नंबर आप लोगों को दिखाया जा रहा है, ये मोबाइल नंबर अपने मोबाइल पे सेव कीजिए। सेव कोई भी नाम से आप सेव कर दीजिए। सेव होने के बाद अपना जो बैंक रजिस्टर मोबाइल नंबर है, उसी नंबर से जो व्हाट्सएप एक्टिवेट है आप लोगों का, शायद उसी नंबर से जो व्हाट्सएप है, उसी व्हाट्सएप को ऑन कीजिए। ऑन होने के बाद जिस नंबर आपने सेव किया था, स्क्रीन पे जो नंबर है उसी नंबर को आप सेव किया था, उसी नंबर पे एक सेंट्रल बैंक का जो नंबर है, उसी नंबर पे आप कोई भी एक टाइप करके आप मैसेज सेंड कीजिए। जैसे कि आप यहाँ पे हाय बोल के आप सेव कर सकते हो। देखिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे हाय लिख दिया। ओके, हाय लिखने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह सा मैसेज आके शो करेगा। तो यहाँ पे न्यू कस्टमर आपको चॉइस करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप एग्जिटिंग कस्टमर आप चॉइस कीजिएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे देखिए एग्जिटिंग कस्टमर चॉइस होने के बाद आप यहाँ पे टाइप कीजिए, मैं चाहे कस्टमर केयर, आई विल है नीड हेल्प, आप ये टाइप कर सकते हो अदरवाइज। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए कस्टमर एग्जीक्यूटिव यहाँ पे ऑनलाइन आएंगे। आने के बाद आप टाइप करके टाइप कीजिए, कोई भी एक टाइप कर सकते हो। जैसे कि आपको क्या चाहिए, आपको सीआईएफ नंबर चाहिए, इस तरह आप लिख सकते हो। जैसे कि गुड आफ्टरनून सर, एक्सपेक्टेड सर, आई विल नीड ए सीआईएफ नंबर ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सो हाउ कैन आई गेट सीआईएफ नंबर ऑनलाइन विदाउट ब्रांच विजिट। यानी बैंक विजिट कर बिना आप किस तरह आप सीआईएफ नंबर प्राप्त कर सकते हो, लेकिन ये भी मेंशन कीजिएगा, ये अपना पासबुक में सीआईएफ नंबर मेंशन नहीं है, इसलिए आपको सीआईएफ नंबर ऑनलाइन चाहिए। ओके, इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको आपका नाम पूछा जाएगा, आपका फुल नेम आप बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखिए कुछ सिक्योरिटी पर्पस एंड सेफ्टी ऑफ़ योर अकाउंट है, मे आई नो एनी टू अकाउंट डिटेल्स। कोई भी यहाँ पे देखिए फोर डिटेल्स आपसे मांग रहा है, तो फोर डिटेल्स में से कोई भी दो डिटेल्स आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, इनमें से कोई भी दो डिटेल्स आपको प्रोवाइड करना है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे पहला नंबर जो डेट ऑफ बर्थ ये मत दीजिए, आप फोर डिजिट जो अकाउंट नंबर, लास्ट फोर डिजिट जो अकाउंट नंबर है ये मत दीजिए। आप अपना एड्रेस दे दीजिए, स्टेट एंड सिटी आप दे दीजिएगा। एंड एनी टू ट्रांजेक्शन फ्रॉम लेटेस्ट फाइव ट्रांजेक्शन विद अमाउंट एंड डेट, आप कोई भी दो ट्रांजेक्शन आप मैंशन कीजिएगा। जैसे कि आप आजकल तो सबका हो गूगल पे एंड फोनपे के साथ लिंक रहता है बैंक के साथ, तो आप कोई भी ट्रांजेक्शन आपने किया होगा, शायद 10 रुपये 20 रुपये का ट्रांजेक्शन, कोई भी एक ट्रांजेक्शन आप मेंशन करके दे दीजिएगा। अदरवाइज आप अपना अकाउंट नंबर का लास्ट फोर डिजिट आप बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, दो डिटेल्स आप प्रोवाइड कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने दो डिटेल्स प्रोवाइड किया था। ओके, इसके बाद यहाँ पे सीआईएफ नंबर, आपका अकाउंट वेरीफाइड होने के बाद सीआईएफ नंबर दे दिया जाएगा, यही होगा आपका सीआईएफ नंबर। तो इस तरह आप आसानी से आप सीआईएफ नंबर कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये ट्रस्टेड है, मैं बोल रहा हूँ ये बिल्कुल सेफ है। आप लोग कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, सेफ है। इसके बाद आपको सीआईएफ नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह आप सीआईएफ नंबर कलेक्ट कर सकते हो। ओके, व्यूअर्स ध्यान रखना, अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर से व्हाट्सअप करना पड़ेगा आप लोगों को। ओके ओके, इसके रिगार्डिंग और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स आप लोग मैसेज कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।